हेलो गाइस, एक और नई वीडियो, हम सभी का स्वागत है गाइस। आज भी बहुत सारी न्यूज लेके आ चुका हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला न्यूज है गाइस पारा सिंह को लेके। पारा सिंह को जो एक्स्ट्रा 7 डेज का जेल हो चुका है और उसकी मदर का जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ लाइव इंटरव्यू हुआ है। तो आप सुन लीजिए कि मदर ने क्या कहा। उसके इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे गए और आप सुनिए कि मदर ने क्या कहा। आज अरुणाचल के एक अदालत ने फिर से 7 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सर, मैं तो यही कहूंगी, इतना दूर में मैं बैठी हूँ, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं क्या कानून करवाई है नहीं है, कैसे क्या करना है, मैं आपको कैसे क्या बताऊं। मुझे तो किसी चीज का इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो है कि जो MLA साहब हैं, जिनके दिल दुखा है हमारे वजह से, उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहती हूँ कि जो भी गलती हुआ है उसे माफ किया जाए, और जो भी गलती में मेरा बेटा वहां पे पहुंचे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपने रहम करे, उसे माफ करे, यही कहेंगे सर। और मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा देखिए बहुत नाजुक कम उम्र का है, बहुत कमजोर दिल का है और उसे इतना नॉलेज नहीं है। मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में सर कोई भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बस मैं और मेरा बेटा, यही हम दो हैं। मेरा बेटा मेरे से दूर चला गया है सर, मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस तरह से यहाँ रह रही, मेरा कोई सहारा नहीं है सर, कोई सहारा नहीं है मैं मेरे बच्चे के अलावा। अब तक जब से पारा सिंह को अरुणाचल ले आया गया है तब से उससे आपकी बात हुई है क्या? सर एक बारी बात हुई थी मेरी, जो जिस दिन लेके जाना था उनको उस दिन मेरी बात हुई थी, और मेरे से वहाँ का हालचाल मुझे मिल रहा है, लेकिन पारस से मेरी इतनी बात नहीं हो रही है। पारस न्यूज जो देखती हूँ वही न्यूज में सुनती हूँ, किससे पूछूंगी, मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है, तो वही वकील सर से पूछ लेती हूँ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है राहुल कनवाल को लेके। राहुल कनवाल जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया टुडे के अंदर, अब वहां पे क्या होता है कि एक तो मीटिंग चल रहा होता है नागालैंड के DGP के साथ, तो वहां पे जो है एक्चुअली पावर कट हो जाता है। उसके बाद जो है नागालैंड के DGP बोलते हैं राहुल कनवाल से कि मेरा यहाँ पावर कट हो चुका है तो मैं क्या करूँ, तो गाइस राहुल कनवाल बोलता है कि कोई बात नहीं, इंडिया में भी ऐसे पावर कट होते रहता है, आप अपना मीटिंग जो है जरूर जारी रखिए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर काफी लोग बोलने लगे कि राहुल कनवाल को कि नागालैंड भी तो इंडिया में ही है, तो क्या अलग से इंडिया को क्यों मेंशन किया, आप तो वहाँ दिल्ली भी बोल सकते थे या फिर अपना अपना स्टेट का नाम भी ले सकते थे, ठीक है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने अपोलॉजी भी लिया ट्विटर के अंदर। तो बेसिकली अपोलॉजी में वो यही बोल रहे थे कि उसका मुंह से गलती से स्लिप हो गया इंडिया, जबकि उनको बोलना चाहिए था दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग, माय अपोलॉजीज वाज मीनिंग टू से दिल्ली, माय बैड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका अपोलॉजी है। अब आप बताओगे इसकी अपोलॉजी स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है आस्ते आस्ते, कमेंट में जरूर बताना मेरे को। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है खली को लेके। गाइस खली का जो है बहुत सारे मीम्स बनते हैं, और अगर वो भी कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं ना, तो उसका इंस्टाग्राम के जो कमेंट सेक्शन आता है, कमेंट सेक्शन में भर भर के ऐसे ऐसे फनी फनी कमेंट्स रहते हैं जिससे जो है अलग से एक वीडियो बन जाएगा। सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फनी फनी मीम वाले कमेंट्स रहते हैं, ठीक है। अब ये सब कमेंट जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए ना खली ने वहाँ पर रिएक्ट किया है। खली ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला है इस चीज़ के ऊपर, अब देखिए क्या बोला है। कमेंट सेक्शन में आजकल सर एक नई बाढ़ आई हुई है लोगों की डिमांड्स, खली सर ये कर दो, खली सर वो कर दो, सर आप सबसे पहले वो कमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत कम देता हूँ, क्योंकि काफी ऐसे फैन होते जो नेगेटिव ही करते हैं, तो मैं समझता यार ज्यादा हेडिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे होते हैं ना, जो लोग जिनको घर से संस्कार कम होते हैं, जिनको संस्कार नहीं, मतलब वो अपने माता पिता की मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमारी क्या रिस्पेक्ट करेंगे। पर लेकिन अगर 100 कमेंट है तो अगर एक दो गलत होंगे, 98 कमेंट ऐसे होंगे जो मतलब सही होंगे, जो एक जो एक फन क्रिएट करते हैं, ह्यूमर भी से मतलब एक जो एक मेरे को प्यार करते हैं, रेसलिंग को प्यार करते हैं और दिल से जो एक मेरे को चाहते हैं, सो और एंजॉय करते हैं। सो दूसरा ये कि मतलब कुछ लोग हैं जो
कोई भी पोस्ट बहुत सीरियस लेते हैं, ओ यार उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मैं कहता यार तू एंजॉय कर, मतलब एंजॉय कर, मस्ती मार यार, खुश रहे। सो मैं ज्यादा उसमें मतलब एक ध्यान नहीं देता। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कैरी मिनट को लेकर। कैरी मिनट जो है बहुत सालों पहले एक ब्लॉग अपलोड किया था अपने चैनल के अंदर, अप्रॉक्सिमेटली 3 साल पहले। अब उसी चीज़ को लेकर कल एक सुपर चैट आया उनको और उनको पूछा गया कि क्या आप फिर से जो है ब्लॉग का सोच रहे हो, क्या आपको फिर से ब्लॉग करना है? तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या रिप्लाई था। उन्हें याद होगा उस टाइम तो ऐसे कतई दरखास्त करती थी, कतई भगा दी गई थी ये वीडियो, ऐसा बोल दिया गया था प्लीज़ दोबारा कैमरा कभी मत उठाई हो। और उसके बाद मैंने सही में फिर दोबारा कैमरा नहीं उठाया। बट नाउ आई थिंक मुझे तो बढ़िया लगी यार, मतलब सही में करते हैं ब्लॉग यार। आई थॉट आई वॉज रियली बैड बट आई एम नॉट। हाँ वही हुआ था, बहुत लग गई थी, फिर तुमने अप्रिशिएट किया नहीं था तो मैंने तो क्यों बनाऊ। अरे भाई आगे कभी ब्लॉग करने का सोचा है? अब सोचा है, अब जरूर करूंगा मैं। तो आज के न्यूज़ के वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो चैनल को, और घंटा दबा लो। गाइस सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे। सब्सक्राइब करें, घंटा दबा लिया करो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सारे न्यूज़ और अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।